हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल स्टडी। फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले 2019 में बदले गए नाम के बारे में। जैसे शहरों के नाम, बंदरगाह के नाम, स्टेशन, एयरपोर्ट और सड़कों के नाम बदले गए हैं। अब इनके बारे में हम कम्प्लीटली डिस्कस यहाँ पे करेंगे। यानी हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल कर क्या रखा गया। भोपाल मेट्रो रेल का नाम भी बदल दिया गया है। तो पूरे यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनने हैं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 2019 में बदले गए नाम के बारे में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और साथ में पास में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि रेगुलर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। एंड अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को एक बार जरूर से जाकर विजिट कर लीजिए, बहुत सारा डेटा वहाँ पर आपको मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो आता है, जैसे कि फर्स्ट जो नाम बदला गया वो है आपका बोगीविल पुल। अब इसका जो नाम बदलकर अटल सेतु कर दिया गया है। अब देखिए, आपको एक चीज़ बता देते हैं, अटल जी के नाम पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के नाम बदले गए हैं, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिए माइंड में। अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से इनको याद रख पाएंगे। अब बोगीबिल जो पुल है, इसका जो नाम बदल कर रखा गया है अटल सेतु इनका नाम बदल कर रखा गया है बोगीबिल पुल का। तो यहाँ पर आप ये थोड़ा सा याद रखिए। नेक्स्ट जो है वो है आपका नया रायपुर। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी, आयोग का आप सभी को पता भी होगा इसके बारे में। अब इसका जो नया रायपुर यहाँ पर लगा दिया गया है, और इसका जो नया नाम अब जो कि बदला गया है वो है अटल नगर। यानी अटल जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है अटल नगर, इसको कर दिया गया है नया रायपुर को। तो ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। नेक्स्ट जो निकल कर आता है वो है आपका रोहतांग सुरंग। अब रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में, आपको पता भी होगा इसके बारे में। अब ये रोहतांग सुरंग जो है अटल सुरंग, इसको कर दिया गया है। यानी रोहतांग सुरंग थी, इसको अटल सुरंग कर दिया है। तो देखिए, हम दो तीन डिस्कस कर चुके हैं अटल जी के बारे में, आप आगे भी आपको बहुत सारे जो कि यहाँ पे अटल जी के नाम पे ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। अब बुंदेलखंड जो एक्सप्रेस वे है, इसका जो नाम बदल कर रखा गया है वो अटल पथ रखा गया है। यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को अब अटल पथ के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिए। चार टोटल हम डिस्कस कर चुके हैं अटल जी के बारे में, आगे भी आपको यहाँ पे देखने को मिले। अब देखिए, जो कि हजरतगंज जो चौराहा है, इसको अटल चौक के नाम से अब जाना जाएगा, हजरतगंज चौराहा। आइए आपको देखिए, जैसे कि पता भी होगा, हजरतगंज जो चौराहा है जिसको पहले बोला जाता था, आप उसको अटल चौक के नाम से बोला जाएगा। यानी अटल जी के चौक के नाम से इसको जाना जाएगा, तो अटल चौक आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका देवधर हवाई अड्डा। अब देखिए, देवधर जो हवाई अड्डा है, इसको अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा, यानी जो देवधर जो हवाई अड्डा ये अभी प्रस्तावित है, आपको बता देते हैं, इसको अब अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा के नाम से जाना जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा, देवधर हवाई अड्डा अभी प्रस्तावित है ये, तो इसका नया नाम रहेगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। नेक्स्ट है आपका अलीगढ़। अब देखिए, अलीगढ़ का जो है उत्तर प्रदेश में ही अलीगढ़, और अलीगढ़ का जो नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। यानी हरिगढ़ अब बोला जाएगा, अलीगढ़ नहीं बोला जाएगा, अब इसको हरिगढ़ बोला जाएगा। नेक्स्ट है आपका अहमदाबाद। अब अहमदाबाद जो कि गुजरात में आता है, आपको पता भी होगा, और इसका जो नाम बदलकर अब कर्णावती कर दिया गया है। अहमदाबाद का जो नाम बदलकर कर दिया गया है कर्णावती कर दिया गया है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि ये है अहमदाबाद जो है मुख्य शहर है भारत का, और इसका जो नाम बदल कर किया गया है, तो हो सकता है आपको एग्जाम में आप ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट आपका शिमला। अब शिमला जो है इसका भी नाम बदल कर श्यामला कर दिया गया है। अब श्यामला को आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, श्यामला जो हिल्स है भोपाल में है, तो यहाँ पे श्यामला उससे रिलेटेड है, तो शिमला का जो नाम बदल कर किया गया है श्यामला कर दिया गया है। नेक्स्ट जो निकल कर आता है वो है साहिबगंज, साहिबगंज हार्बर। ओके, इसका जो नाम बदल कर किया गया अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर, ये किया गया है। तो अटल जी के नाम से, जैसा कि आप बता चुके पहले कि बहुत सारे जो नाम है अटल जी के नाम पर ही रखे गए हैं, तो साहिबगंज हार्बर जो नाम था पहले, उसको आप बदल कर अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका अगरतला हवाई अड्डा। अगरतला जो हवाई अड्डा है, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा, इसको कर दिया गया है। यानी पहले अगरतला हवाई अड्डा बोला जाता था, अब इसको बोला जाएगा महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। तो यहाँ पे ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट लेवल के जो आईएमपी लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, जो कि आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, और छत्रपति शिवाजी जो एयरपोर्ट है, इसको अब छत्रपति शिवाजी महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। पहले इतना था छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट,
अब इसको छत्रपति शिवाजी महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से इसको जाना जाएगा, यानी कुछ इसमें जोड़ा हुआ है नाम है। नेक्स्ट आपका आता है कांडला बंदरगाह। अब कांडला जो बंदरगाह गुजरात में स्थित है, आपको पता भी होगा इसके बारे में। कांडला जो बंदरगाह है इसको दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, यानी दीनदयाल बंदरगाह के नाम से ये जाना जाएगा, कांडला बंदरगाह। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। नेक्स्ट आपका निकल कर आता है साबरमती घाट। अब देखिए साबरमती जो घाट है इसको अटल घाट कर दिया गया है, साबरमती घाट इसको अटल घाट अब कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का जो नाम बदल कर किया गया है भामाशाह सुरक्षा कवच, भामाशाह सुरक्षा कवच इसको कर दिया गया है, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना इसका पहले नाम था, अब इसको भामाशाह सुरक्षा कवच कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका निकल कर आता है मुगल सराय रेलवे स्टेशन। मुगल सराय रेलवे स्टेशन के बारे में आपने सुना भी होगा। अब इसका जो नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम अब होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, इसी नाम से इसको जाना जाएगा। नेक्स्ट निकल कर आता है बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन। अब देखिए भोपाल मेट्रो स्टेशन का नाम भी बदल कर जो कि चेंज कर दिया गया है, और हबीबगंज रेलवे स्टेशन इसका नाम भी चेंज किया गया है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता देते बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का जो नाम है अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। अब बल्लभगढ़ जो मेट्रो स्टेशन है इसका नया नाम होगा अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन, यानी इसी नाम से भी यह जाना जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका गोरखपुर हवाई अड्डा। गोरखपुर के बारे में आपने सुना भी होगा, और ये जो हवाई अड्डा है ये अब जाना जाएगा महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डे के नाम से, यानी इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला है। यानी आपको अगर आसानी से अगर बात की जाए याद करने की तो आप आसानी से उसको याद कर पाएंगे, क्योंकि गोरखनाथ इसमें गोरखनाथ यहाँ पर दे रखा है, गोरखपुर गोरखनाथ इतना आप थोड़ा सा करेंगे तो यहाँ पर आप आसानी से इसको याद रख पाएंगे। तो गोरखपुर हवाई अड्डा का नया नाम होगा महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। नेक्स्ट आपका मियो का बाड़ा। अब मियो का बाड़ा ये गाँव जो कि बारमर राजस्थान में है, कहाँ पर है ये? राजस्थान में बारमर, और मियो का बाड़ा गाँव ये है। अब इसका जो नया नाम है वो है महेश नगर। मियो का बाड़ा महेश नगर इसका नया नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है चिनैनी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर। ये जो है यहाँ पे देखिए ये सुरंग है चिनैनी नासरी सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है, और इसका जो नया नाम चेंज किया गया वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से इसको जाना जाएगा चिनैनी नासरी सुरंग को, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम जो कि लखनऊ में है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम जो किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम कर दिया गया है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ इसका नया नाम होगा अब अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम। नेक्स्ट आता है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो नया नाम चेंज किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन इसका नया नाम होगा, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से इसको जाना जाएगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन को। और फिरोज शाह जो कोटला है इसको अरुण जेटली के नाम से जाना जाएगा, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था अरुण जेटली जी का, उनके नाम पर इनको जाना जाएगा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को, जिसका अपडेट हमने आपको पहले भी दे दिया था चैनल पर। नेक्स्ट आता है आपका भोपाल मेट्रो रेल। अब देखिए भोपाल मेट्रो रेल जो है इसको राजा भोज जी के नाम से जाना जाएगा, यानी भोपाल के जो संस्थापक थे राजा भोज, इन्हीं के नाम पर यहाँ पर भोपाल मेट्रो रेल को जाना जाएगा, यानी नया नाम इसका होगा अब राजा भोज। तो ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। IMP लेवल के जो यहाँ पर करवाए हैं आपको बदले गए जो नाम है वो IMP लेवल के हैं, यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। टॉप 24 हैं यहाँ पर, आपको पूरे यहीं से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप चैनल पर एक बार जरूर से विजिट कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारा आपको डेटा मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पास में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।